Welcome to Unlimited Education, friends. This is Sanu Kumar and I will teach you the topic of heat engine for railway ALP stage 2. So in the earlier class we have discussed the topic of thermodynamics and a few MCQ relating to that. So I want to add some more MCQ to your bank. And one more thing, that many of you requested to deal the question in English language. So today we discuss the MCQ in English language, and so do concentrate over here. So let's start the question number one here. For isothermal expansion of a perfect gas, the value of delta P upon P is equal to. So question dhyan se ek bar padhe aap log ki question kya keh raha hai. Here it is talking about the isothermal expansion of perfect gas. So the answer will be option B, that is minus delta V upon V. Let's see isothermal expansion curve, PV diagram of isothermal expansion. This is P, this is V. So the isothermal expansion kaisa hoga is diagram? हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा. वन मान लेते हैं, ये टू. तो आप देखेंगे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व वन टू. अगर यहां से हम देखेंगे, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये जो है हमारा, ये वन है, ये टू है, ठीक है. तो हमारा वर्क डन जो होता है थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि एरिया अंडर द कर्व वन टू. तो उसको क्या लिखेंगे, पी वन वी वन log e v2 upon v1. आप तो जानते होंगे ये p1 v1 log v2 upon v1, ये जानते हैं आप. उसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2.3 जो हम लोग जनरली लेते हैं वैल्यू, 2.3 p1 v1 log v2 upon v1. तो यहां से हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेट इज पी वन वी वन को तो हम एम आर टी लिख सकते हैं दोस्तों, एम आर टी लिख सकते हैं. अब एम आर टी लॉग वी टू बाई वी वन को हम लिख सकते हैं पी वन अपॉन पी टू, ठीक है. हम इसको लिख सकते हैं कि एम आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू. अब बोलेंगे कि वहां वी टू अपॉन वी वन था, यहाँ पी वन अपॉन पी टू हुआ. क्यों हुआ? सिंस पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू. ये हम करेंगे पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है. इसी वजह से हम इसको किए, तो वो ये हमारा वहीं से आता है. तो इसका आंसर हमारा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्या हो जाएगा हमारा, बी, डेट इज डेल्टा वी अपॉन वी. तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. तो दूसरा बोलता है द गैस लॉ पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज ट्रू फॉर. तो आप लोग आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी. क्या हो जाएगा, द गैस लॉ पी वी अपॉन टी इज कॉन्स्टेंट, दिस इज ट्रू फॉर बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज. ये जो हम यूज करते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आइसोथर्मल के लिए भी मान्य है और एडियाबेटिक. दिस इज ट्रू फॉर बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री. तो क्वेश्चन नंबर थ्री, एयर इन ए सिलेंडर इज सडनली कॉम्प्रेस्ड बाय ए पिस्टन विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं कि कोई सिलेंडर है, उसमें कंप्रेस्ड एयर जो है भरा हुआ है. तो आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन. क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर करें क्या होगा. तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा द प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब टाइम पास होने के बाद जो है, जो एयर है उसका प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर.
क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज ऑन ए पार्टिकुलर गैस डिपेंड्स अपॉन ओनली, तो आंसर इसका बताएं क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। द वर्क डन इन एन एडियाबेटिक चेंज ऑन ए पार्टिकुलर गैस डिपेंड अपॉन ओनली चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एडियाबेटिक चेंज में जब देखेंगे हम वर्क डन तो वो किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ओनली द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन। क्वेश्चन ध्यान से आप देखें कि क्या बोल रहा है कि वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर वन भी डिस्कस किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके पर कि वो क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, बोथ टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन रेशियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो सिक्स बोलता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आप इसका सोचना भी नहीं पड़ेगा देने के लिए। तो क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो ये एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको हमने पहले ही क्लास में बताया था थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जो कि फर्स्ट लॉ में आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेवन। वो कहता है द कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन ए हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1 एंड ए कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2 टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब कोई एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है, एक हॉट रिजर्वॉयर है, उसका टेम्परेचर जो है T1 है, ठीक है, और एक ठंडा रिजर्वॉयर है, उसका टेम्परेचर T2 है। तो हमें इफिशियंसी को इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, तो अगर इफिशियंसी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, T1 शुड बी इंक्रीज्ड, T1 जो है बढ़ाएंगे एंड T2 को डिक्रीज करेंगे। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1 जो हॉट रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, जो कोल्ड रिजर्वॉयर है T2 उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान देना है। इसमें बोल रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। आपको सबसे पहले बता दें कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आप तो लेक्चर देखे होंगे, लेकिन अगर नहीं भी देखे होंगे तो फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, दैट डजंट डिपेंड ऑन मास। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका टेम्परेचर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, बाकी जितना भी जो है वो सारे एक्सटेंसिव हैं। टेम्परेचर जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। ये बोलता है इसमें कि कौन सा इसमें एक्सटेंसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 हमारा क्वेश्चन क्या कहता था, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जिसमें वॉल्यूम जो गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और इसको आप देख लें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपको ये इसके बारे में ये भी बताए थे कि वहाँ पे मॉलिकुलर मोशन जो है स्लो हो जाती है। तो वहाँ मॉलिकुलर मोशन स्लो होने के बाद वहाँ पे इतना लो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करती ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द यूनिट ऑफ एनर्जी
in SI system. So without taking time, tell me the answer. The answer would be the option A, that is joule. The SI unit of energy is joule. ठीक है, यहाँ पे और भी यूनिट दिए हैं, उसको भी देख लें. वाट जैसे पावर का यूनिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका आसान है. 1 watt इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 12, 1 watt इक्वल टू कितना होगा? तो 1 watt इक्वल टू 1 newton meter. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा. इसका एक और यूनिट है 1 joule per second. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. 1 joule इज इक्वल टू कितना होता है? ऑप्शन देखें ध्यान से और आंसर बताएं. इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 joule इक्वल टू 1 newton meter. ओके, 1 joule = 1 newton meter होता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. 14 बताता है द हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ ए गैस इज कॉल्ड. हीटिंग और एक्सपेंडिंग जो है गैस को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी. ठीक है, हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ ए गैस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल. हीटिंग और एक्सपेंडिंग जो है गैस का क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15. तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें आपको सही कथन बताना है. तो ऑप्शन देख लें, द स्लोप ऑफ द वेपराइजेशन कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप ऑफ वेपराइजेशन कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, या स्लोप ऑफ सब्लिमेशन कर्व इज नेगेटिव फॉर ऑल प्योर सब्सटेंसेस एंड द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज पॉजिटिव फॉर ऑल प्योर सब्सटेंसेस. तो हमें क्या करना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमको कौन सा सही कथन है वो हमें देखना है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द स्लोप ऑफ वेपराइजेशन कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, ये हमारा स्लोप जो रहता है वेपराइजेशन कर्व का, हमेशा ये निगेटिव रहता है. ये चैप्टर जब आएगी तब हम इसके बारे में डिटेल्स करेंगे. अभी भी जान लें कि इसका जो कर्व होता है ना, वेपराइजेशन कर्व, वो हमेशा निगेटिव होता है. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट 0 degree Celsius. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा वाटर का जब हम हीट करते हैं 0 degree Celsius से? तो मतलब 0 degree Celsius से हम जब हीट करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस. वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले डिक्रीज करेगा और तब इंक्रीज करेगा. इसमें आपको बताए होंगे कि इसमें वॉल्यूम और हमारा डेंसिटी, ये दो चीज का फंडा है. ये दो चीज आप अगर ध्यान में रख लिए तो इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आपको डायग्राम देख लें, उसमें आपको बहुत जो है आपको हेल्पफुल होगी कि एक्चुअली में होता क्या है. मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको देख लें, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये वॉल्यूम वाला है और ये डेंसिटी वाला है. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगी नो डाउट. ठीक है, तो वॉल्यूम वाला में क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 degree Celsius है. ठीक है, आप समझ लें 0 degree Celsius, यहाँ पे 4 degree Celsius है और यहाँ पे 10 degree Celsius है. ठीक है, 10 मान लें, आगे जितना भी आप मान लें. तो वॉल्यूम के केस में क्या होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहा है, वॉल्यूम जब हम 0 degree Celsius से हीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये सबसे पहले जो है ये 4 degree तक ये कम होगा, उसके बाद ये इंक्रीज करता जाएगा. हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा फॉर द केस ऑफ वॉल्यूम स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. सो व्हेन वी हीट वाटर फ्रॉम 0 degree Celsius, सो द वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस एज 4 degree Celsius एंड देन इंक्रीजेस फॉर फर्दर 4 degree Celsius टू 10 degree Celsius और फर्दर. तो यू हैव टू कोरिलेट विद वॉल्यूम एंड डेंसिटी. Here volume decreases as we go from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and then it increases further 4 degree Celsius to 10 degree Celsius
And the case with density is just opposite. When we heat water from 0 degrees, here is 0 degrees Celsius and here is 4 degrees Celsius. And here you take 10 degrees Celsius, okay. So, in the case of density, when we heat water at 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, density will get increase. Aap pata hi hoga ki density of water is maximum at 4 degrees Celsius, isn't it? So, the density will get increase and after 4 degrees Celsius, further get decreased. As you are seeing in this diagram, the density of water at 4 degrees Celsius is maximum. So, this thing you have to take into consideration. Ye aapko dhyan mein rakhna hai. Bahut valuable hai aur isse question aate hi aate hain. To question number hamara 16 yahi bolta hai. Pahla kya karega? Decrease karega volume, then increase. Theek hai? Hum badhte hain question number 17 ki taraf. To 17 question is saying the internal energy of a perfect gas depends on. इंटरनल एनर्जी जो है परफेक्ट गैस का किस पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर, नथिंग एल्स. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 सेइंग इन ए रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये सब आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या बोलता है आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है आपका जनरल लॉ है फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस. मतलब इसको आपको बता देते हैं, पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है हम लोग का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ठीक है, तो यहां पे हम आंसर इसको बताना है कि रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18A, द ट्रू हीट ट्रांसफर अकर्स. ओके, द रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ट्रू हीट ट्रांसफर होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, एन एसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज. एसेंट्रोपिक प्रोसेस तो पढ़ा ही होगा आपने, तो एसेंट्रोपिक को क्या बोलते हैं, इसको हम एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं. तो एसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है इज ऑलवेज, आंसर वुड बी रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक. ओके, एसेंट्रोपिक, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट एसेंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 20, देखने से आसान लग रहा है. द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज को डिफाइन करता है, तो यह क्या चीज को डिफाइन करता है, डिफाइंस एंट्रोपी. विथ नो डाउट आंसर वुड बी डी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी. अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 21. तो 21 में क्या आता है, फॉर एनी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी. मतलब रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा, तो ये हमारा आपका ऑप्शन होता है इधर जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम और इन्फिनाइट. तो द आंसर वुड बी जीरो. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा आपका, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब बोल रहा है यहाँ पे कि फॉर एनी कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस पे द चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग का क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका 22 का, दैट विल बी जीरो. ओके, विद नो डाउट आंसर बी जीरो. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग केल्विन प्लैंक लॉ डील्स विथ. केल्विन प्लैंक लॉ क्या डील करता है, किससे डील करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी, कंजर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क. केल्विन प्लैंक लॉ आपको बताया ही था क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क. ठीक है, नेक्स्ट है 24, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विद इंक्रीज और डिक्रीजेस एज द हीट इज सप्लाइड और रिमूव्ड इन ए रिवर्सिबल मैनर, उसको क्या कहते हैं. क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें फिर से. द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज हीट इज सप्लाइड और रिमूव्ड रिवर्सिबल मैनर में, तो क्या कहलाता है,
तो ये कहलाता है हमारा हमारा एंट्रोपी। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से पास। 15 कहता है द एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, बोल रहा है एंट्रोपी जो है एक्सप्रेस किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये जो है प्रेशर और एंट्रोपी जो है हमारा एस जो है फंक्शन किसका है, पी एंड टी। ओके इसका फंक्शन है, वही पूछ रहा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो इसमें बोल रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी, क्वेश्चन नंबर 26 चेंज इन एंट्रोपी जो है जब हीट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है गैस के द्वारा तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन है पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। गिब्स फंक्शन, गिब्स फंक्शन जो है क्या चीज को एक्सप्रेस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गिब्स जो रहेगा यू प्लस पी वी माइनस टी एस, तो ये किस में ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका गिब्स फंक्शन से एक्सप्रेस किया जाता है यू प्लस पी वी माइनस टी एस। ओके 28 में डिस्कस है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द अवेबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, अवेबिलिटी फंक्शन जो है क्या चीज को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवेबिलिटी फंक्शन जो है क्या बोलता है ए इक्वल टू यू प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है सी क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 सेज फॉर ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बन, दिस कार्बन प्लीज कट दिस, देयर इज नो कार्बन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन कंबसन ऑफ फ्यूल चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू टेक एग्जाम्पल कार्बन दैट सी प्लस ओ टू सी ओ टू। ओके तो फॉर वन इफ यू टेक 1 kg कार्बन, ठीक है 1 kg एंड 8/3 kg ऑफ ऑक्सीजन, ओके इट विल गिव 11.3 kg ऑफ CO2। ओके तो इस टाइप से हम लोग अगर निकालते हैं, यहां क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा है यही चीज पे डिस्कस कर रहा है, आप किसी तरह भी ले लें कि सी प्लस ओ टू विल गिव मोनोक्साइड, अगर ये इक्वेशन ले लेते हैं तो उसको पहले बैलेंस करेंगे और इसी टाइप से करेंगे कि 1 kg कार्बन रिक्वायर्ड मोनोक्साइड वाला में 4.3 ऑक्सीजन हो जाएगा, पहले हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस सी प्लस ओ टू सी ओ टू, इफ यू टेक सी प्लस ओ टू सी ओ इन केस ऑफ मोनोक्साइड देन वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन एंड आफ्टर बैलेंसिंग देन वी विल नेक्स्ट प्रोसेस इज टू सी हाउ मच मोल इज बीइंग यूटिलाइज्ड। यहाँ पे चूंकि हमारा इक्वेशन बैलेंस है तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ा, 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर 8.3 kg ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 11.3 kg ऑफ CO2। ओके सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा हो जाएगा डी डेट इज 79/21। अब बोलेंगे कैसे, वो भी मैं बता रहा हूँ। एज वी नो डेट द कंपोजिशन ऑफ एयर, इफ विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर, सो नाइट्रोजन हियर नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इज 79%। ओके 79% बाय वॉल्यूम एंड बाय मास इट इज 77%। ओके एंड द सेम फॉर ऑक्सीजन, इफ विल टेक ऑक्सीजन दैट बाय वॉल्यूम इट इज 21% by volume, okay, and by mass it is 23%. So please keep in mind that by volume and by mass, by volume it is 21% and by mass it is 23%. So our answer will be D, that is 79/21%. And the last question, that is 30th, the most important solid fuel. So as per option
The answer would be coal. The most important solid fuel is coal. So friends, how was the question? How was my explanation? Please do comment and please do share. Thank you.